हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास उथान और आप देख रहे हैं छोड़ दो फोड़ दो सीरीज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉर इनब्रीडिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनब्रीडिंग से है लेकिन वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले देखते हैं, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। दूसरा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय आउटक्रॉसिंग। इट प्रोड्यूसेस प्योर लाइन। इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। जनरली अगर हम इसमें लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी दो स्पीशीज के बीच में बार बार इनब्रीडिंग करवाया जाता है, दो ब्रीड के बीच में बार बार इनब्रीडिंग करवाया जाता है, तो उससे होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है, दैट मीन्स उनमें कैरेक्टर्स सिमिलर डेवलप होते हैं। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब है कि अगर जो एलिल्स हैं वही एलिल्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं, कोई भी नया इसमें हम कहते हैं कि एलिल इसमें ऐड नहीं हो रहा है। थर्ड, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय आउटक्रॉसिंग। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, मीन्स अगर किसी स्पीशीज में इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए आउटक्रॉसिंग का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, अगर इनब्रीडिंग को कुछ बार बार अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप होता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से उस इंडिविजुअल में प्रोडक्टिविटी अपने आप ही डिक्रीज हो जाती है, फर्टिलिटी अपने आप ही डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सेकंड, नेम द न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो राम्स। दो स्पीशीज हैं यहाँ पे शीप की, पहली है बीकानेरी ईव्स और दूसरा है मेरिनो राम्स। इनको क्रॉस करवाने के बाद क्या डेवलप किया गया था, जो यहाँ पे इनका हाइब्रिड डेवलप किया गया था उसका नाम था हिसारडेल। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें इन दोनों के क्रॉस से जो यहाँ पे पहली स्पीशीज डेवलप की गई थी, एक क्रॉस डेवलप किया गया था और उस हाइब्रिडाइज क्रॉस को बोल रहे थे यहाँ पे हिसारडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रियल प्रोडक्ट ऑफ एपिकल्चर इज। एपिकल्चर में हनी बी की रियरिंग की जाती है, उसमें हनी बीज को पाला जाता है। अब इनके कल्चरिंग से हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, पहला तो है हनी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो हनी भी है वो हनी प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, इनसे बी वैक्स भी मिलता है। ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ह्यूमन कॉमर्शियल प्रोडक्ट या फिर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, मीन्स यहाँ पे हनी के साथ साथ बी वैक्स दोनों ही हम यूज़ करते हैं, तो इसके दो मेन प्रोडक्ट हैं बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग अनरिलेटेड प्योर लाइन या फिर प्योर ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ डिफरेंट रेट्स विद इन द सेम स्पीशीज। दोनों की स्पीशीज तो सेम है लेकिन वो जो दो ब्रीड्स हैं उनके ट्रेट्स थोड़े डिफरेंट हैं। अब इनको जब हम आपस में क्रॉस करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस ब्रीडिंग, मीन्स यहाँ पे स्पीशीज तो सेम है लेकिन ब्रीड्स डिफरेंट हैं, दोनों के ट्रेट्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द ब्रीडिंग टेक्निक यूजफुल टू एलिमिनेट हार्मफुल रिसेसिव जीन्स बाय सिलेक्शन इज। दैट मीन्स अगर हम दो स्पीशीज के बीच में या फिर हम बोले सिंपली बोले दो ब्रीड्स के बीच में हम हार्मफुल जीन्स या हार्मफुल एलील्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस टाइप के क्रॉस का यूज़ किया जाता है। तो जनरली हम यहाँ पे इनब्रीडिंग का यूज़ करते हैं। इनब्रीडिंग इज प्योरली यूज टू एलिमिनेट द रिसेसिव और हार्मफुल रिसेसिव जीन्स। जिन जीन्स की ज़रूरत नहीं होती है उन जीन्स को यहाँ पे रिमूव किया जाता है बाय द टेक्निक ऑफ इनब्रीडिंग। तो इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी अबाउट द इन ब्रीडिंग। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाई इज इन ब्रीडिंग नेसेसरी, गिव टू रीजंस। दैट मींस इन ब्रीडिंग करवाने के क्या फायदे हैं, इससे कुछ एडवांटेजेस आपको बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला एडवांटेज है वो क्या है, अगर इन ब्रीडिंग करवाई जाती है तो इससे एक प्योर लाइन डेवलप की जा सकती है, इससे हम एक प्योर लाइन को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा रीजन आप बता सकते हैं कि इससे होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है,
होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है, दैट इज जिसमें एलील्स या फिर जीन्स के पेयर सिमिलर होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगोसिटी। थर्ड रीज़न होता है कि अगर बार बार इनब्रीडिंग करवाई जाती है तो इसका एक फ़ायदा और जो मैंने आपको पहले ही बताया था वो था एलिमिनेटिंग द हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, मीन्स इसकी हेल्प से हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, ये तो इससे कुछ एडवांटेजेस हुए। दूसरा पूछा जा रहा है व्हाट डज कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग लीड्स टू, मीन्स अगर लगातार इनब्रीडिंग करवाई जाती है तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या चीज है पहले ये समझ लीजिए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई तो साथ ही साथ इनकी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है, या फिर प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो ये दो मेन डिसएडवांटेजेस होते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन के। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन तभी डेवलप होता है जब लगातार या फिर कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग करवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गिव टू रीजंस फॉर कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड। फ्लावरिंग पीरियड में बी हाइव को क्या बोलते हैं, फ्लावर्स के आसपास क्यों रखना चाहिए या फिर क्रॉप फील्ड में क्यों रखना चाहिए। इसके पीछे दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन क्या देखेंगे कि जो हनी बी होती है, ये हनी बी एक पॉलिनेटर है। ये क्या होती है, एक पॉलिनेटर। अब पॉलिनेटर का मतलब कि ये इस फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ये फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। तो फ्लावर पॉलिनेशन में पहला काम आएगा। अब पॉलिनेशन बार बार होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ से क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो इसका पहला रीज़न तो यही है कि अगर हम बी हाइव को फ्लावरिंग पीरियड में क्रॉप फील्ड में रखते हैं तो अपने आप ही क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी बीज हैं ये सारे एक पॉलिनेटर की तरह वर्क करते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि अगर हम इसको क्रॉप फील्ड में रखते हैं तो ये फ्लावर में से नेक्टर की हेल्प से अपने लिए या फिर हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हनी। तो हमको जो हनी मिल रहा है ये फ्लावर के नेक्टर से ही मिल रहा है, और ये बी हाइव्स में हनी बीज बना के दे रही हैं। तो अगर बीहाइव को फ्लावर्स के आसपास रखा जाता है तो फ्लावर में से वो काफ़ी अमाउंट में नेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, और उस नेक्टर की हेल्प से ये हनी बना सकते हैं, और इस हनी को हम ह्यूमन प्रोडक्शन के लिए या फिर अपने कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए काफ़ी अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए दो मेन रीजंस हो जाते हैं कि फ्लावरिंग पीरियड में इस बीहाइव को क्रॉप फील्ड में रखा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Write down the important point to be kept in mind for successful beekeeping. Means beekeeping के लिए हम किन किन points को consider कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि हमको हनी बी के नेचर और हैबिट का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमको इसकी नॉलेज पता होनी चाहिए, दैट इज वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द नेचर एंड हैबिट ऑफ हनी बी। इनका नेचर कैसा है, इनकी हैबिट कैसी है, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा बात आती लोकेशन की, लोकेशन ऑफ बी हाइव। इसका मतलब कि इनके बी हाइव को रखने के लिए क्या सूटेबल लोकेशन हो सकती है। जनरली हम बी हाइव को क्रॉप फील्ड के आसपास रखते हैं जहाँ पे फ्लावर्स होने चाहिए, क्योंकि इनी फ्लावर की हेल्प से, इसके नेक्टर की हेल्प से ये आगे चल के हमारे हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लोकेशन का पता होना चाहिए। इसके अलावा कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। स्वार्म्स कहा जाता है ग्रुप ऑफ बी को, ग्रुप ऑफ बी, जो मधुमक्खियों का ग्रुप होता है उसको स्वार्म्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या, कैचिंग एंड हाइविंग, दैट मीन्स हमको इनको पकड़ने की टेक्निक्स आनी चाहिए कि कैसे इनको पकड़ा जाए,
और हाइविंग का मतलब कैसे इनको हम बी हाइव में रखें और वहाँ पे इनका पालन पोषण किया जा सके, तो इसके लिए हमको टेक्निक्स आने चाहिए। चौथी चीज हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कि जो ये हनी बनाते हैं उसमें उसको कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ हनी। दैट मीन्स जब मधुमक्खियाँ हनी प्रोड्यूस कर लेती हैं तो उसको हम उस बी हाइव में से कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को कलेक्शन की नॉलेज नहीं होगी तो हो सकता है कि वो मधुमक्खियाँ उस पर्सन को बाइट कर दें। तो यहाँ पे कलेक्शन की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक बी हाइव या बी कीपिंग के लिए। तो जो ये पूरा प्रोसेस है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव काफ़ी होता है, कि इसमें हम कहते हैं कि पैसा काफ़ी कम लगाया जाता है और मधुमक्खियाँ बहुत ही हम कह सकते हैं कि इसमें अच्छा प्रोडक्शन दे सकती हैं मधुमक्खियाँ और उससे हम हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन कैटल्स। टर्म हमारे पास कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम एनिमल्स में आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करवा रहे हैं और अपने कुछ कंट्रोल्ड टेक्निक से करवा रहे हैं तो इसको कहा जाता है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, पहली चीज़ तो होती है इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा होता है मल्टीपल ओविलेटरी एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें दो टेक्निक्स फॉलो होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहली टेक्निक है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसमें करते क्या है कि अगर इस टेक्निक में हम एक सुपीरियर मेल वैरायटी इसमें से सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद या तो हम इसको इमीडिएटली फीमेल कैटल के अंदर इंसेमिनेट कर सकते हैं और इंसेमिनेशन या तो उसके वेजाइना में हो सकता है या फिर उसके यूट्रस में हो सकता है। दूसरा केस हम ले सकते हैं कि इसी सीमेन को स्टोर किया जा सकता है, इसको बाद में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और उसके बाद आगे चल के इसको दोबारा इंसेमिनेट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि ज़रूरत किस चीज़ की है, आप इसको स्टोर करके आगे कुछ टाइम बाद यूज़ कर सकते हैं। और एक होती है इमीडिएट रिक्वायरमेंट कि उसी टाइम हम इसको इंसेमिनेट कर रहे हैं एक मदर के वेजाइना या फिर यूट्रस में, तो ये टेक्निक कहलाती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं वो है सेकंड मल्टीपल ओविलेटरी एम्ब्रियो ट्रांसफर। सेकंड पार्ट देखते हैं मल्टीपल ओविलेटरी एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें होता क्या देखते हैं, इसमें बेसिकली जो फीमेल कैटल जनरली एक एग प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर हम इस फीमेल कैटल को एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं या फिर मान लीजिए इसमें हमने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्ट किया, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और नए एग्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे आगे चले कम से कम 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, 6 to 8 एग्स यहाँ से प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन। ठीक है, अब एग बन गए, इसके बाद इस फीमेल कैटल की मेटिंग करवाई जाती है, इस फीमेल कैटल की मेटिंग करवाते हैं एक सुपीरियर मेल के साथ या फिर इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। अब मेटिंग के बाद यहाँ से जाइगोट बनते हैं, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो काफ़ी सारे यहाँ पे कम से कम 6 to 8 एम्ब्रियो बने हैं। अब इस एम्ब्रियो को हम आगे चलकर कुछ सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करते हैं, सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये टेक्निक कहलाती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसको कहा जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। दैट मीन्स जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज थे उनको हमने एक सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस वजह से जो मदर के एग्स थे वो और यहाँ पे दूसरे सरोगेट मदर के अंदर चले गए, बाकी का डेवलपमेंट इन सरोगेट मदर के अंदर ही होगा। अब
क्योंकि इस मदर ने ये एग प्रोड्यूस करे हैं, तो इस मदर को आप बोलेंगे जेनेटिक मदर, जेनेटिक मदर, क्योंकि ये एग्स इस फीमेल के हैं या फिर इस फीमेल कैटल के हैं। बाकी जिन मदर के अंदर डेवलप हो रहे हैं उनको कहा जाएगा सरोगेट मदर। तो क्वेश्चन एक ये भी बन जाता है कि सरोगेट मदर और जेनेटिक मदर में डिफरेंस क्या है। जेनेटिक मदर हम उनको बोलेंगे जो एग प्रोड्यूस करती हैं, और सरोगेट मदर हम उनको बोलते हैं जो एग को कैरी करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इन अ कैटल। सबसे पहले क्रॉस ब्रीडिंग होता क्या है कि इसमें हम दो ब्रीड लेते हैं, मीन्स एक हमने ब्रीड लिया है, एक ब्रीड का सुपीरियर मेल लिया गया और दूसरे ब्रीड का सुपीरियर फीमेल लिया गया। सुपीरियर फीमेल, दो ब्रीड थे, स्पीशीज सेम है, दो अलग अलग ब्रीड हैं, दोनों को क्रॉस करवा के यहाँ पे एक क्रॉस ब्रीड बनवाया गया, क्रॉस ब्रीड बनवाया गया। अब इसका एडवांटेज क्या है कि इस ब्रीड के अंदर दोनों ही ब्रीड्स के डिजायरेबल कैरेक्टर, इसके अंदर दोनों ही ब्रीड्स के डिजायरेबल कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो क्रॉस ब्रीड्स वो होते हैं जिनमें दो अलग अलग ब्रीड्स के डिजायरेबल कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होते हैं, ऐसे टेक्निक को हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। जनरली जो एग्जांपल हमने पहले कुछ क्वेश्चंस में देखा था हिसारडेल का, हिसारडेल दो शीप के ब्रीड्स का एक ब्रीड था और उसके अंदर उन दोनों के ही डिजायरेबल कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट किए गए थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर जरूर बने रहिएगा। मैं आपके लिए आगे के लेक्चर्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।